तो दोस्तों 1250 किलोमीटर दूर से आए हैं। तो यहाँ पर रिजवान भाई का बहुत बहुत स्वागत है मेरे भाई आने के लिए इतनी दूर। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सप्लीमेंट्स विला फैमिली, क्योंकि सिर्फ चैनल नहीं परिवार है हमारा। और दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे हाथ में माला है। आप सोच रहे हैं क्यों है मेरे हाथ में माला, क्योंकि आज मेरे भाई आए हैं रिजवान, पता है कितनी दूर से। भाई बता रहे थे कि भैया मैं बिहार से आया हूँ और ये कल रात के आए हैं। मेरी मुलाकात नहीं हो पाई थी क्योंकि कल भाई लेट नाइट आए थे और बारिश का मौसम था, तो इसलिए मेरी रात को मुलाकात नहीं हो पाई। तो भाई यहीं पे आज मतलब रात को रुके थे, पूरा सारा सिस्टम। उसके बाद सुबह में अर्ली मॉर्निंग अभी मैं बिना नहाए आया हूँ फटाफट भाई से मिलने के लिए, क्योंकि इनको वापस जाना है। तो भाई ने मुझे बताया कि मैं बिहार से आया हूँ। फिर मैंने पूछा बिहार में कहाँ से आए हो, तो भाई कहाँ से आए हैं बिहार में आप? सुपौल जिला से। सुपौल जिला से। मैंने गूगल मैप पर सर्च करके देखा तो दोस्तों 1250 किलोमीटर दूर से आए हैं। तो यहाँ पर रिजवान भाई का बहुत बहुत स्वागत है मेरे भाई आने के लिए इतनी दूर। दोस्तों मैं इस प्यार और विश्वास का बदला नहीं उतार सकता, बस मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि मैं आपको हमेशा ओरिजिनल सप्लीमेंट्स दूंगा, आपको रिजल्ट दूंगा, और जो भी रिजल्ट आएंगे वो टिकेंगे, नुकसान कुछ नहीं होगा। मतलब मेरे पास कोई भी शब्द नहीं है। 1250 किलोमीटर दूर कब के चले हुए हैं जी आप? परसों चले थे। देख रहे हैं परसों भाई चले थे। तो दोस्तों मैं सैल्यूट करता हूं भाई के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद यार इस प्यार के लिए। आप लेंगे भाई का इंट्रोडक्शन, नाम आपका? मोहम्मद रिजवान जी। कहाँ से आए हैं आप? सुपौल जिला से। सुपौल जिले से भाई, कब आए थे आप यहाँ पे? मतलब कि रात में आए। रात का रुकने वगैरह में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं नहीं, खाना पीना सारी चीजें सारे चीज़। कोई मतलब ऐसा तो नहीं लगा ना कि यार दुकान पे गए हैं मुझे तो होटल में रुकना पड़ गया कुछ ऐसी बात? नहीं नहीं ऐसे नहीं, सारी चीजें बढ़िया सारा जी। तो दोस्तों देख लीजिए, और मेरी मुलाकात रात को नहीं हो पाई थी क्योंकि बारिश का मौसम था और प्लस में मैं थोड़ा बाहर भी था। तो अब जो है भाई से मिलकर मेरा दिल खुश हो गया। अब जरा पूछ लेते हैं भाई से, भैया 1250 किलोमीटर दूर आ गए हो आप, 3-4 हज़ार रुपये तो भाई ने आने जाने में खर्च कर दिए होंगे। जी जी, आने जाने में खर्च कर दिए, 2-3 दिन लगा दिए। भैया क्यों आए हो आप यहाँ पे ये तो बता दो। ए, दवाई लेने के लिए। दवाई? भाई ये मेडिकल स्टोर नहीं है, दवाई नहीं मिलती यहाँ। बनाने के लिए? सेहत बनाने के लिए। सेहत की दवाई नहीं होती, हाँ सप्लीमेंट्स होते हैं। और दवाई तो आपने खाई थी, आप बता रहे थे। जी क्या खाया था आपने? वो टैबलेट खाए थे। कितने रुपए की? यही मतलब कि 40 रुपीज का दिया था। 40 रुपए की एक टैबलेट? और कितने दिन खाई थी? ऐसे मतलब कि 4-5 महीने तक खाए थे, और जब तक खाए थे तब तक शायद ठीक रहा, उसको छोड़ दिया तो फिर सब उससे हो गया। उससे भी ज्यादा कमजोर हो गया। उससे भी ज्यादा कमजोर हो गया। दोस्तों मत खाओ कोई सेहत बनाने की गोली, चूरन चटनी, सस्ते गेनर, सस्ते प्रोटीन। अच्छा एक बार बताओ मुझे रिजवान, 40 रुपए जो तुमने खर्च किए उन गोलियों में, डेली कितनी गोली खाते थे? मतलब एक दिन में 2 गोली खाते थे। 80 रुपए की आती थी? जी 80 रुपए की गोली खाते थे। मुझे एक बताओ, अगर उस 80 रुपए का तुम जूस पी लेते, दूध पी लेते, वो बढ़िया था वो गोली बढ़िया थी? नहीं वो जूस बढ़िया था। जूस बढ़िया था? तो दोस्तों वो जूस पी लो, दूध पी लो, पर आप ये जहरीली गोलियां मत खाओ, चूरन चटनी सस्ते गेनर प्रोटीन के चक्कर मत पड़ो। और भूख का क्या हाल है जी? भूख तो अभी उससे नहीं लग रहा था, मतलब ज्यादा खाते हैं तो मन उल्टिया करने का मन करता है। ये हाल हो जाता है चूरन चटनी से। भैया आप ही की तरह अगर कोई भाई हमारा देख रहा है इस वीडियो को, आप क्या कहोगे, उसे लेना चाहिए चूरन चटनी? नहीं 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 लेना चाहिए, सबसे बेकार है गोली, सबसे बेकार है। तो अब भाई आ गए सप्लीमेंट्स वाला। अब मेरा वादा है भाई से कि भाई का ये दुबला पतला शरीर हो जाएगा मोटा तगड़ा, और जो भी रिजल्ट आएंगे वो पूरी जिंदगी भर टिकेंगे। पर हाँ रिजल्ट आना इतना आसान नहीं है, डाइट का शेड्यूल बनाना पड़ेगा, पूरा सिस्टम सेट करना पड़ेगा। कर लोगे ना? जी जी जी। सपोर्ट तो सप्लीमेंट्स लगी रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पर भाई को भूख की भी समस्या है, प्लस में गेनिंग भी नहीं हो पा रही है। क्या सप्लीमेंट लिया है मैं दिखाना चाहूंगा। कितना वजन है अभी आपका? अभी हमारा 48 है। 48 किलो ऑलमोस्ट इनका वजन है। तो यहाँ क्या लिया है भाई ने दिखाऊंगा, रिजवान दिखाओ क्या लिया है आपने भाई ने। सबसे पहले तो लिया गट पावर, जो कि भूख बढ़ाएगी। अगर आपकी भी चूरन चटनी खाने से भूख डाउन हो गई है तो गट पावर सबसे पहले लंच करने के बाद एक टैबलेट, बिल्कुल कोई नुकसान नहीं है, सबसे सेफ सप्लीमेंट है। उसके अलावा दिखाओ भाई क्या लिया है, पावर मास गेनर का बाल्टा, 8 से 10 किलो वजन बढ़ाएगा ये। तो दोस्तों देख रहे हैं आपके दिल्ली से लेके, बिहार से लेके, और आपके जो है उड़ीसा, और आपके मतलब कह सकते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक नंबर 1 मास गेनर है, पावर मास गेनर, 8 से 10 किलो वजन बढ़ाने वाला मास गेनर है ये। नुकसान इसका कुछ भी नहीं है और फायदे अनेक हैं। इसे ले आप, नो डाउट
भाई देखो थोड़ा सा जो ओरिजिनल चीज़ होगी, जो अच्छी चीज़ होगी, जिसके रिजल्ट टिकेंगे, वो थोड़ा सा तो पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा, कॉस्टली आएगा भाई। देखो चूरन चटनी आ जाएंगी आपकी जो है वही 1000-2000 में, और पावर मास गिनर आएगा 5600 में। पर दोस्तों ये मास गिनर आपको वो रिजल्ट देगा कि आप जिंदगी भर याद रखेंगे। याद रखने का मतलब है जो रिजल्ट आएंगे वो टिकेंगे, नुकसान कुछ नहीं होगा। पावर मास गिनर लें, इसे यूज कैसे करना है इसको लेकर साइड में वीडियो चल रही है वो देखें। दिन में 2 बार लेना है आपको, 1 स्कूप दूध में, साथ में बनाना ब्राउन ब्रेड ड्राई फ्रूट, साइड में वीडियो चल रही है, मैंने खा के बताया वो देखें आप। तो इसे दिन में 2 बार लेना है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी है, थोड़ी बहुत का मतलब सिर्फ आधे घंटे एक्सरसाइज, चाहे जिम में कर लो घर पे कर लो, रनिंग नहीं करनी आपको। या तो अगर घर पे कर रहे हो तो नॉर्मल पुशअप पुलअप्स स्क्वाट्स वगैरह ये, और अगर जिम में कर रहे हो तो थोड़ी बहुत आध घंटा एक्सरसाइज, रनिंग नहीं करनी, कार्डियो नहीं करनी, करनी है तो 15 दिन में 1 दिन, 10 दिन में 1 दिन, इस तरीके से। और जो है अपना लंच करने के बाद गट पावर, अब बढ़ेगा 8 से 10 किलो वजन, जो भी वजन बढ़ेगा टिकेगा और नुकसान कुछ नहीं होगा। तो 5600 रुपये का ये बाल्टा है और 1550 की है गट पावर, ये दोनों चीज़ें भैया ने ली हैं सिर्फ और सिर्फ 7150 रुपये की। तो आप भी लीजिए इनको भूख बढ़ाने के लिए, डाइजेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए, शरीर भरने के लिए, दुबले पतले से मोटा तगड़ा होने के लिए, पावर मास गेनर 7150 रुपये। और देखो भैया तो आगे बिहार से, आप भी आ सकते हो, मोस्ट वेलकम है, यहाँ पर आपको कोई परेशानी नहीं होगी, रुकने से लेके खाने पीने, मतलब वो तो यार आपका अपना घर है, आइए आप सप्लीमेंट्स ला, पलवल आउटलेट जो हमारा सबसे पहला आउटलेट है, बाकी और भी आउटलेट्स हैं हमारे, आप वहाँ भी विजिट कर सकते हैं, जो भी नज़दीक आपके पड़ेगा। मुझे लगता है कि भैया आए हैं तो मुझे लगता है कि शायद कानपुर वाला आपके सबसे नज़दीक पड़ता जी। कानपुर कितना दूर पड़ता है आपके यहाँ से? वो कानपुर के बारे में पता नहीं, हम सुपौल जिला से आए हैं। सुपौल, मुझे उधर की तरफ से आते हो ना, लखनऊ के होते हुए? हाँ, तो कानपुर इनको सबसे जो है नज़दीक पड़ता, पर उसके बाद भी ये कानपुर और कानपुर से और 450 किलोमीटर पलवल आउटलेट आए, वो मोस्ट वेलकम है। तो आपके जहाँ नज़दीक आउटलेट है वहाँ विजिट कर सकते हैं आप, और अगर नहीं आ सकते आप तो निश्चिंत रहो, आप इसका ऑर्डर करो, कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, ऑल ओवर इंडिया कोरियर सर्विस अवेलेबल है, कोई समस्या नहीं होगी। और आपको ये मिलेगा ओरिजिनल, जैसे भैया को मिला है जीएसटी बिल के साथ। ये जीएसटी बिल, लोअर टी शर्ट और शेकर, ये सप्लीमेंट सुला की तरफ से भाई को गिफ्ट है। दोस्तों जब आप ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे तो आपको भी गिफ्ट मिलेंगे, तो आप भी ऑर्डर करें पावर मास गेनर। अब यहाँ पर देखें, देखो अब वैसे ये सवाल पूछना बनता नहीं है मेरा, पर फिर भी मैं पूछ लेता हूँ। देखो भाई आपने आने जाने में 2-3 हज़ार रुपये खर्च हो जाएंगे। जी जी जी, 2-3 हज़ार तो आने जाने में खर्च कर दिया। अब यहाँ पर जो है भैया ने 1500-1600 रुपये का टैक्स भी पे कर दिया है। पूछना चाहूँगा क्या फ़र्क पड़ा, जहाँ सेहत का सवाल है, क्या पैसा देखना चाहिए? नहीं नहीं देखना चाहिए। क्या सलाह देंगे आप सभी को? ऐसे यही सलाह देंगे कि यहाँ अच्छा है, मतलब क्या आप लोग भी ऐसे जुड़ो। जी आप लोग भी जुड़ो सप्लीमेंट सलाह से, पूरा इंडिया कह रहा है कि जुड़ना है तो सिर्फ सप्लीमेंट सलाह से। तो आइए सप्लीमेंट सलाह विजिट कीजिए, कोई भी परेशानी है, कोई भी समस्या है, कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, सप्लीमेंट्स विला परिवार आपके साथ। तो लीजिए पावर मास गेनर मोटा तगड़ा होने के लिए, कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कीजिए, और ऑर्डर करना है तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कीजिए। और दोस्तों आप हमारे आउटलेट्स भी विजिट कर सकते हैं, वैसे बिहार में भी जो है आउटलेट ओपन होगा बहुत जल्दी, और पटना से बहुत डिमांड है तो पटना में जल्दी आउटलेट ओपन होगा। पर अभी जो अगला आउटलेट है वो अभी हमारा आउटलेट ओपन होने जा रहा है ग्वालियर मध्य प्रदेश में, और अभी जहाँ हमारे आउटलेट्स ओपन हो चुके हैं, अगर आप वहाँ आसपास रहते हैं तो वहाँ भी विजिट कर सकते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि मैं ऑनलाइन मैं नहीं मंगवाना चाहता, मैं तो ऑफलाइन ही जाके लूँगा, मतलब शॉप पे जाके दुकान पे जाके लूँगा। तो अगर आप दिल्ली आसपास रहते हैं तो आप दिल्ली कालका जी जाइए, पलवल आसपास रहते हैं तो पलवल हरियाणा आइए, मथुरा आसपास रहते हैं तो मथुरा आउटलेट है हमारा, हमारा आउटलेट जो है आगरा में है, आउटलेट कानपुर में है, गाजियाबाद में है, अलीगढ़ में है, हमारा आउटलेट मेरठ में है, आपका अपना सप्लीमेंट सुला आउटलेट जयपुर राजस्थान में है, गुरुग्राम हरियाणा में है, ये जितने भी आउटलेट्स हैं सब आपके अपने आउटलेट्स हैं, एक भी आउटलेट फ्रेंचाइजी बेस नहीं है। तो निश्चिंत होकर आप जो है दुकान पे जा सकते हैं, जहां भी मैंने आउटलेट्स बताए हैं, गूगल मैप पर सबकी लोकेशन है। सप्लीमेंट सुला दिल्ली वाले पे जाना है तो आपको गूगल मैप पर लिखना है सप्लीमेंट सुला दिल्ली, आपको जाना है आगरा वाले पे तो लिखिए सप्लीमेंट सुला आगरा, पूरी लोकेशन देंगे आपको, गूगल मैप पर मिलेगी आपको। तो दोस्तों जुड़ो सप्लीमेंट सलाह से, सस्ते सप्लीमेंट्स के चक्कर मत पड़ो, ऑरिजिनल लो सिर्फ सप्लीमेंट सलाह से। और अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, या supplementsala.com विजिट करो, कैश ऑन डिलीवरी मिलेगी। और दोस्तों आप प्रोडक्ट चाहे दुकान पर जाके लो सप्लीमेंट सलाह की,
चाहे आप ऑनलाइन मंगवाओ, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ पीछा नहीं छोड़ूंगा। यहाँ भैया आ गए, ठीक है भैया की बढ़िया, आप जो है मेहमान नवाजी होगी, भैया का मोस्ट वेलकम हो गया, मेरा भी दिल खुश हो गया। पर असल में मेरा दिल खुश होगा जब भैया को रिजल्ट आएंगे, और रिजल्ट आएंगे क्योंकि इनका पीछा नहीं छोड़ूंगा। यहाँ से जाने के बाद भी जब तक इनको नहीं तोड़ूंगा तब तक नहीं छोड़ूंगा। तो आप भी जोड़ो सप्लीमेंट सलाह से, पर कमर कस के जुड़ना, क्योंकि यहाँ जुड़ने का मतलब है रिजल्ट आना, और रिजल्ट आके रहेंगे क्योंकि पीछा मैं छोड़ूंगा नहीं। पूरी सपोर्ट मिलेगी आपको सप्लीमेंट सलाह से, ना सिर्फ ओरिजिनल सप्लीमेंट्स, पूरी सपोर्ट, फैमिली वाली फील। तो भाई ने वीडियो बनवाई, इतनी दूर से आए, भैया का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद है भाई आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो चलेगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगली बार मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब के लिए नमस्ते।